नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस जो है कि लगातार अब तेजी से जो है कि वेरीफाई और रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और ये सही समय है आप लोगों को इस बारे में जो है कि जानकारी देने का। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखो बहुत लोगों के मन में इस तरह का सवाल आ रहा है कि सर जो है कि मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक सवाल जो कॉमन है जो सभी का, सबको ये डेट जाननी है आखिर में उनका पैसा जो है कि जो छात्रवृत्ति का पैसा है वो कब आएगा, उस हिसाब से लोग आगे की मतलब अपनी पढ़ाई की और बाकी चीज़ें प्लान करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा मतलब आपको जो है कि डिटेल्ड वीडियो होने वाली, पूरी डिटेल पूरी जानकारी, इसमें संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने जा रहा हूँ कि आखिर में पेंडिंग जिनका उनका अभी कब पैसा मिलेगा, जिन लोगों का ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है उनका कब पैसा मिलेगा, जिन लोगों का सस्पेक्ट है उनका पैसा कब मिलेगा। और वहीं एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कौन से ऐसे स्टेटस हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि कौन से स्टेटस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि ये वाले स्टेटस रिजेक्ट होंगे, वो कौन से स्टेटस होने वाले जिनको निरस्त भी किया जाएगा। तो वो सारे जो है कि आपको इस वीडियो में जो है कि जानकारी मिलने वाली। तो बस आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। चाहो तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 1.5x पे वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कौन से रिजेक्ट होंगे, किसका पैसा कब आएगा, ये सारे जो आपके सवाल हैं इस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इतनी अच्छी अपडेट देने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और सही टाइम पर अपडेट्स पाने के लिए और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आपने सब्सक्राइब कर लिया, लाइन से बात कर रहे हो। देखो वेरीफाई कौन से स्टेटस, ये वाले स्टेटस, आप में से काफी लोगों के स्टेटस में इस तरह से अब लिखकर आ गया है वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आपका फॉर्म संपूर्ण यानी कि 100% वेरीफाई कर दिया गया। इसके आगे आप कुछ नहीं बचा, सिर्फ पैसा आना बचा। वहीं पेंडिंग किसकी बात कर रहे हैं हम, पेंडिंग मतलब इस तरह के स्टेटस जिनका यहाँ पे पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो इस तरह के स्टेटस इनका पैसा कब आएगा। और भी कुछ इस तरह के स्टेटस है जैसे ये वाले हो गए इनरोलमेंट रोल नंबर वाले हो गए, या फिर जो है कि हाई स्कूल बोर्ड डेटा नॉट मैच हो गया, इन सभी को हम पेंडिंग की कैटेगरी में रखेंगे। डुप्लीकेट इनकम हो गया, या फिर और आपको मैं दिखाता हूँ एक दो, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच होगा आप में से काफी लोगों का। तो ये जितने स्टेटस हैं, देखो अब इसमें कुछ लोगों को मैंने स्टेटस नहीं लिया, मतलब ये सारे स्टेटस वेरीफाइड हो गए या पेंडिंग हुए, इनका पैसा कब आएगा। देखो ये सारी जानकारी जो है ये आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी नोटिस से। आप उस नोटिस को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारी जानकारी उसके अंदर मिल जाएगी। तो हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, स्टेटस वाइज बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है वो है जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के जो छात्र हैं, मतलब अगर आप इस वर्ग से बिलोंग करते हो, मतलब आप जनरल से हो या फिर आप पिछड़ा वर्ग से हो या फिर आप अल्पसंख्यक वर्ग से हो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में बताता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप का क्या सीनेरियो है, कब वेरीफाई वालों को और कब पेंडिंग वालों को पैसा दिया जाएगा। तो आप लोगों का नोटिस है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले के लिए जो जारी किया गया नोटिस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला डाउट तो आपका यहीं पर मैं क्लियर करता हूँ कि इस बार क्या है, पिछली बार जो है कि दो दो राउंड में पैसा दिया गया था, एक था फर्स्ट राउंड एक था सेकेंड राउंड। मतलब कुछ लोगों का ऐसा था कि जिनका सस्पेक्ट था उनको बाद में दिया गया, जिनका वेरीफाइड था जिनके फॉर्म में कोई गलती नहीं थी उनको पहले राउंड में। लेकिन इस बार क्या किया सरकार ने, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया है, चाहे आपके फॉर्म में गलती हो या नहीं हो, मतलब चाहे आपका फॉर्म अभी वेरीफाई होता है या अभी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे जिसका कभी वेरीफाई होगा, सबको जो पैसा दिया जाएगा जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों को, उनको एक ही डेट को पैसा दिया जाएगा, वो है 22 मार्च 2024। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो धनराशि का अंतरण होना है वो सबका एक ही साथ होना, वो है 22 मार्च। तो चाहे आपके फॉर्म में अभी आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, या आपके फॉर्म में इनरोलमेंट मिसमैच दिखा रहा है, या फिर आपके फॉर्म में यूपी बोर्ड का कोई इशू दिखा रहा है, या फिर आपके फॉर्म में बिलो 60% दिखा रहा है, डुप्लीकेट इनकम दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा हो, इस बार जो सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड है पैसा वितरण का वो है 22 मार्च को, उसी के दौरान जो है कि पैसा मिलेगा। तो जिन लोगों का फॉर्म वेरीफाई नहीं भी हुआ है या करेक्शन किया है, आपको घबराना नहीं है, किसी को इस बार आगे पीछे पैसा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो जनपद स्तरीय समिति द्वारा यानी कि DW के द्वारा जो डेटा वेरीफाई किया जाना है वो 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक किया जाना है। मतलब लास्ट डेट क्या है वेरीफिकेशन की, 12 मार्च तक जो है कि वेरीफिकेशन होना है। तो इसमें दोनों का होना है, जिन लोगों का मतलब डेटा सब कुछ सही है, जिनके फॉर्म में पेंडिंग है DW लिखा है, उनका भी लास्ट डेट 12 मार्च है, और जिनका फॉर्म सस्पेक्ट वाला मतलब कुछ करेक्शन किया है उनका भी 12 ही मार्च है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं उन सभी का 26 फरवरी तक वेरीफाई कर दिया जाएगा, और जितने करेक्शन वाले हैं उनका 26 के बाद किया जाएगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा सभी को एक ही साथ दिया जाएगा। देखिए आप यहाँ अगर पढ़ोगे नोटिस, अगर टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए मौजूद है वहां से अगर आप पढ़ोगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह धनराशि का अंतरण होना है, 17वें नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि 22 मार्च तक जो है कि आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा। तो जितने भी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी छात्र वीडियो देख रहे हैं वो अपनी डेट नोट कर लें, चाहे आपका फॉर्म अभी पेंडिंग में हो या फिर आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया हो या फिर आपके फॉर्म में आपने करेक्शन किया है या करेक्शन नहीं किया है, सबके जो धनराशि का वितरण किया जाना है या कि स्कॉलरशिप का जो पैसा आना है वो 22 मार्च तक जो है कि आएगा। तो ये आप लोगों के लिए डेट हो गई। अब बात कर लेते हैं SC ST वाले छात्रों की, उनके लिए थोड़ा सा जो है कि सिनेरियो अलग है।
जो एससी एसटी के छात्र हैं उनके लिए नोटिस अलग है। ये एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्र हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है। आपके लिए क्या किया गया है, इस बार आपके लिए दो चरणों में चीजें की गई है, एक होता है फर्स्ट राउंड, एक होता है सेकेंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में कौन से बच्चे आएंगे, वो बच्चे आएंगे जिन्होंने 31 दिसंबर तक अपना फॉर्म जो है कि भरा हुआ था। मतलब अगर आपने अपना फॉर्म एस सी एस टी के छात्र हो, आपने अपना आवेदन जो है कि 31 दिसंबर के पहले पूर्ण कर लिया था, 31 दिसंबर पहले, तो आप पहले ग्रुप में आओगे। अगर आपने 31 दिसंबर के बाद किया है, मतलब आप हो सकता है 1 जनवरी से कर रहे होगे, मतलब आप 31 दिसंबर के बाद करो 2024 में आपने अगर फॉर्म भरा स्कॉलरशिप का, तो आप आ जाओगे दूसरे कैटेगरी में। तो पैसा कैसे मिलेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर तो प्रथम चरण, यहाँ देखिए प्रथम चरण की, प्रथम चरण में वो छात्र आएंगे जिन्होंने 31 दिसंबर तक अपना आवेदन पूरा किया था। तो जितने लोगों ने 31 दिसंबर तक आवेदन पूरा किया है उन सभी को जो पैसा मिलेगा वो सेम साथ में मिलेगा जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले छात्रों के साथ, यानी कि 22 मार्च तक जो है कि पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि धनराशि का अंतरण किया जाना वो 22 मार्च 2024 तक है। तो एस सी एस टी के छात्र एक बार यहाँ ध्यान से अपने लिए समझ लें कि अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हो, चाहे आपका फॉर्म अभी वेरीफाई हो या फिर आपके फॉर्म में अभी दिखा रहा हो पेंडिंग है DW, या फिर इसके अलावा आपके फॉर्म में आपने कोई करेक्शन किया है या नहीं किया है, या इनरोलमेंट नंबर मिसमैच दिखा रहा हो, या रोल नंबर मिसमैच दिखा रहा हो, यूपी बोर्ड का कोई इशू दिखा रहा हो, बिलो 65 दिखा रहा हो, चाहे जो भी दिखा रहा हो, सबका जो वितरण होना है अगर आपने 31 दिसंबर के पहले आवेदन किया है तो उसके लिए डेट है 22 मार्च। तो ये हो गई पहली चरण की। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, वो एस सी एस टी के छात्र जिन्होंने आवेदन अपना 2024 में किया है, 2023 में नहीं किया, 2024 में किया है, उनका मतलब आवेदन पूरा हो पाया 2024 के किसी भी डेट में, तो उन सभी का जो है कि पैसा जो भुगतान होगा वो जून में किया जाएगा, वो मार्च में नहीं हो पाएगा उनका भुगतान। उनका जो भुगतान होना है वो 18 जून तक जो है कि यहाँ पर देख लीजिए 28 जून तक जो है कि भुगतान किया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखी हुई है कि धनराशि का अंतरण किया जाना है वो 28 जून 2024 तक किया जाना है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ थंबनेल में भी दो डेट लिखी है, तो सब लोग ध्यान से समझ लीजिए, एक बार मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर तीन ग्रुप बढ़ जा रहा है टोटल, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के जितने छात्र हो गए इनके लिए एक ग्रुप हो गया, और एस सी एस टी के जितने छात्र हो गए। तो इन सभी का जो पैसा आएगा वो आएगा 22 मार्च तक, उन लोगों का जिन्होंने 31 दिसंबर तक आवेदन किया हुआ है, 31 दिसंबर 2023, और जिन्होंने उसके बाद आवेदन किया उन सभी को 28 जून तक पैसा मिलेगा। चाहे आपका फॉर्म पेंडिंग हो, चाहे आपका फॉर्म सस्पेक्ट हो, आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका हो, उससे मैटर नहीं करता है। इस बार आपका पैसा जो सभी का आएगा वो 22 मार्च तक आएगा। बस एस सी एस टी वाले वो छात्र जिनका भुगतान जो है कि जिन्होंने फॉर्म अपना 2024 में भरा उनको थोड़ा सा लेट पैसा दिया जाएगा, उनको जून में जाके पैसा मिलेगा, तो उनको मार्च में ना मिलकर जून में मिलेगा। तो ये हो गया एस सी एस टी वाला मैटर। तो ये हो गया आपका जो है कि जो पैसा कब आएगा ये वाला सवाल। अब बात करते हैं, मैंने थंबनेल में एक और चीज़ लिखी हुई है कि कौन से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे 3 से 4 आपको फॉर्म बताऊंगा, स्टेटस बताऊंगा जो है कि निरस्त कर दिया जाएगा DW के द्वारा। आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे पहला सबसे कॉमन वो है ये वाला मैटर जो बहुत ज़्यादा लोगों का दिख रहा है, सत्यापित नहीं किया गया। तो यहाँ पे अगर आपका इस तरह से दिखा रहा है सत्यापित नहीं, तो इस फॉर्म को देखो रिजेक्ट कर देंगे ये लोग, पिछली बार भी रिजेक्ट किया था, इस बार भी रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें देखो, इसमें आपका स्टूडेंट अगर आप मेरे से पूछोगे इस वीडियो बाद, आप लोग कमेंट में पूछोगे, तो ये सत्यापित नहीं वाले मैटर का आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके कॉलेज का किया धराया है। कॉलेज को क्या करना होता है, एक मास्टर डेटा बना के उसको आपकी यूनिवर्सिटी जो होती है उनके द्वारा उसको सत्यापित कराना होता है, इसीलिए यहाँ पर सत्यापित नहीं आ रहा है। तो ये उनका काम है, आपसे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपका इसकी जो लास्ट डेट थी मैं आपको बताता हूँ, वो थी 20 फरवरी। तो अगर 20 फरवरी के पहले पहले या 20 फरवरी तक इन्होंने सत्यापित करा लिया होगा तो आपका ये सही हो जाएगा, अन्यथा ये जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका वो पहला स्टेटस जो निरस्त किया जाएगा समाज कल्याण के द्वारा। अब बात करते हैं इसी तरह से दूसरा स्टेटस। तो जितने लोगों का स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है, जो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब जो है कि आपके कॉलेज के द्वारा इसको फॉरवर्ड नहीं किया गया, इसके कारण ये फॉर्म भी निरस्त कर दिया जाएगा। ये अमान्य है, मतलब ये इनकम्प्लीट फॉर्म है, तो इसको तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा DW। तो ये भी दूसरे नंबर का फॉर्म हो गया जिसको ये लोग रिजेक्ट करेंगे। तो ये सेम ही है, वही वाला फॉर्म है, देखो एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली नॉट सबमिटेड। उसी तरह से तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर आपका 50% से कम है, मान लो आपने एडमिशन लिया जैसे ग्रेजुएशन के बेसिस पे, अगर आपका उसमें कम है 50% से, तो दो है कि उसका भी फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। ये इसी साल का है, देखो 17 फरवरी को ये फॉर्म निरस्त कर दिया गया बिलो 50% मार्क की वजह से। तो ये अभी तक तीन जो है कि मैं जो फॉर्म थे जो निरस्त किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं ऑलरेडी, 50% वाला निरस्त भी किया जाने लगा है, और जो सत्यापित नहीं वाला अभी हालांकि उसको रिजेक्ट नहीं किया गया लेकिन उसको निरस्त ये लोग कर देंगे।
लास्ट ईयर के अगर कुछ रिन्यूअल के छात्र होंगे तो कमेंट में ये बात कंफर्म भी कर सकते हैं कि हाँ इस तरह के फॉर्म निरस्त किए गए थे पिछली बार। तो ये था पूरा सीनेरियो, मैंने आपको पूरा बता दिया कि छात्रवृत्ति का पैसा वेरीफाई पेंडिंग सबका कैसे किसको मिलना है किस डेट को मिलना है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, आपने याद कर लिया होगा और कौन से फॉर्म रिजेक्ट होंगे वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके जाना, और इसके अलावा कोई डाउट और भी रह गए हो तो इस वीडियो के आपके कमेंट में जो है कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और मेरे साथ में इंस्टाग्राम का लिंक। अगर आप मेरे से जवाब चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना है, फॉलो करना है और वहां पर जाकर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड पीएसके टेक्नोमेशन।